भारत से लेकर दुनिया के कई देशों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया। व्हाट्सएप की सेवा ठप होने से लोग इतने परेशान हो गए कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इसकी शिकायत करने लगे। हालांकि शिकायतों के कुछ देर बाद ही इसकी सेवाएं बहाल कर दी गई। बताया जा रहा है कि भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे कई यूजर्स ने व्हाट्सएप नहीं चलने की शिकायत की। दुनिया भर में अचानक व्हाट्सएप सर्वर डाउन हो जाने से यूजर्स ना तो व्हाट्सएप से मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही रिसीव कर पा रहे थे, जिसके बाद इससे परेशान लोगों ने ट्विटर पर शिकायतों का अंबार लगा दिया। ट्विटर पर हैशटैग व्हाट्सएप डाउन ट्रेंड होने लगा, जिस पर भारत, इंडोनेशिया, रूस और मध्य एशिया समेत दुनिया भर के कई हिस्सों के यूजर्स व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत करने लगे। वैसे इन शिकायतों के कुछ देर बाद ही व्हाट्सएप की सेवाएं बहाल हो गई। वैसे मैसेजिंग सर्विस डाउन होने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि इससे पहले मई में भारत, कनाडा, अमेरिका और ब्राजील में व्हाट्सएप यूजर्स को परेशानी आई थी। डिबी लाइव की रिपोर्ट।